हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतू है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स, DIY एंड प्रोडक्टिव यूज की। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आप अपने बालों को कैसे कट करें। तो ये मैं बहुत ही इजी स्टेप बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कि आप अपने बालों को कैसे कट करें। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यार भूल जाते हो यार, नहीं शेयर करते हो यार, अच्छा नहीं लगता है। इतनी मेहनत करो यार, थोड़ा तो मतलब शेयर वेयर कर दो यार, प्लीज प्लीज। तो उससे पहले मेरे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर है ना एक बेल आइकन आएगा, उससे क्लिक करना ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस हो ना वो आप तक पहुंचे। आप सब्सक्राइब कर देते हो बट नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन भी क्लिक करना पड़ेगा ना। तो जब आप बेल आइकन क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और मेरा जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाएगा और जो मेरी मेहनत है वो हो जाएगी सफल। तो देखिए, ये जो मेरा हेयर कट है वो है स्टेप हेयर कट और ये मैंने खुद अपने आप कट किया है और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत दिख रहा है और कितना मस्त दिख रहा है। और यार अपने आप जो कट करने में जो मज़ा है ना, मज़ा है बट थोड़ा सावधानी रखकर कट करें, नहीं तो मज़ा ना काफूर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखें, जो भी मैं जैसे भी मैं स्टेप बता रही हूँ वैसे आप स्टेप रखें और उस हिसाब से काटिए अपने बालों को। तो बैक साइड से देखिए ये कितने सुंदर दिख रहे हैं और ये मैंने अपने आप से काटे हैं, तो और भी मतलब जो आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो स्टार्ट करते हैं हम बालों को काटना। सबसे पहले हम बालों को थोड़ा गीला करेंगे, उसके बाद इस तरीके से दो पार्टीशन कर लेंगे बालों का। जो कान के थोड़ा जस्ट ऊपर है वहाँ से हम पार्टीशन करेंगे और आगे वाले जो बाल हैं उनको क्लचर से क्लचर कर देंगे। उसके बाद पीछे से जो है हमें मांग निकालनी है, मतलब बालों को डिवाइड करना है। उसके बाद हम बालों को इस तरीके से कॉम्ब करेंगे, हमें बालों में बिल्कुल भी टैंगल नहीं चाहिए, कॉम्ब करेंगे और बिल्कुल सीधा काटेंगे। देखिए इस टाइप से बिल्कुल सीधा काटना है और उसके बाद हम छोड़ देंगे नीचे वाले, मतलब नीचे बालों को। तो पहले हमने नीचे साइड से लिया था, अब हम ये जो है देखिए आप इस तरीके से सीधा लेंगे। तो पहले 0 डिग्री में काटा था, उसके बाद हम ये इस टाइप से सीधा लेंगे और फिर से हम जो है बालों को, जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो अपने आप नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं, जो लंबे दिख रहे हैं, हमें उन्हें काट देना है और जो हमारे जो बाकी वाले बाल हैं उनको वैसे ही रहने देना है। तो बेसिकली ये है कि जो भी हमें एक्स्ट्रा बाल दिखेंगे उन्हें हमें सीधा काटना है। उसके बाद देखिए अब जो तीसरा है वो है हमें ऊपर के साइड लेके जाना है, ये देखिए इस टाइप से। और फिर हमें जो यहाँ पर जो बाल दिखेंगे, एक्स्ट्रा बाल दिखेंगे, उसे हमें काट देना है। तो देखिए एक साइड का जो है वो कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम यही जो प्रोसेस है वो अपने दूसरे साइड में भी करेंगे, सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था। और मैंने यहाँ पे जो वीडियो है वो फास्ट फॉरवर्ड में नहीं किया है ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो देखिए पहले हम अच्छे से कॉम्ब करेंगे, उसके बाद जो हमारे बाल हैं उन्हें हम जो फर्स्ट है वो 0 डिग्री में ही काटेंगे। ये देखिए इस टाइप से बिल्कुल खींच लेंगे, उसके बाद 0 डिग्री में काटेंगे। तो जो भी हमें हमारे एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं हमें सीधा काटना है। सबसे पहले जो स्टेप है, जो सबसे नीचे वाला वो है सीधा, तो सबसे पहले हमें सीधा करना है, काटना है। उसके बाद हम अपने बालों को कॉम्ब करेंगे और फिर हम इसे सीधा काटेंगे, मतलब हमारे बालों को सीधा करेंगे। उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा बाल आपके अगर छूट रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए आप। और जो आपके हेयर्स हैं यहाँ पर देखें आपको एक्स्ट्रा दिख जाएंगे, तो बस उसी की गाइडलाइन लेते हुए हमें फिर से इन्हें सीधा काट लेना है। और ये बहुत ही इजी है, बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है। तो देखिए पहले हमारा 0 डिग्री पे था, उसके बाद हमने बीच में किया था, अब हम बालों को थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ा ऊपर करेंगे अपने बालों को। और फिर हमें उसी तरीके से जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स दिखेंगे हमें उनको बस सीधे काट देना है। देखिए इस तरीके से हमें अपने बालों को काट लेना है। और अभी देखिए हमारे बाल जो हैं वो कट गए हैं, तो फिर से मैं चेक कर लेती हूँ कि कहीं ऊंचा नीचा या ऐसा कुछ तो नहीं हो गया है। तो
तो हमें इस तरीके से ऊपर खींचना है और फिर जो भी हमारे इसमें एक्स्ट्रा हेयर्स दिख रहे हैं उन्हें हमें काट देना है और बिल्कुल सीधी लाइन जैसे होता है वैसे रखना है। और जो आपके उंगलियां हैं उन्हें बिल्कुल ही मोड़ना नहीं है। और उसके बाद फिर हमारे जो दोनों साइड के जो हेयर्स हैं अभी हमने काटे हैं उन्हें हम इस तरीके से कॉम करेंगे और आगे साइड में रखेंगे। और जो भी आपको इसमें एक्स्ट्रा हेयर्स दिख रहे हों, मतलब बेसिकली हमें यहाँ बस हर चीज़ को सीधा काटना है, सीधा रखना, सिंगल मतलब एक स्लीपिंग लाइन है उस टाइप से काटना है। अब देखिए हमने जो मेरे ऊपर जो मैंने पार्टीशन किया था वो भी मैंने खोल दिया है और जो बीच में मिडिल पार्टीशन किया है मैंने हेयर्स का, उसके बाद फिर यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से करना है। हम यहाँ पर 0 डिग्री पे नहीं काटेंगे, हम इसे सीधे काटेंगे, मतलब ये देखिए इस टाइप से सीधे काटेंगे। उसके बाद जो भी हमें एक्स्ट्रा हेयर्स दिखेंगे वो हमें कट कर देना है, क्योंकि जो हमने नीचे हेयर्स काटा है उसकी गाइडलाइन हम लेंगे और जो भी हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें काट लेंगे। उसके बाद जो हमारे हेयर्स हैं उन्हें फिर से हम पहले हमने स्ट्रेट लिया था, अब हल्का ऊपर साइड में लेंगे और फिर से जो भी हमें एक्स्ट्रा हेयर्स दिखेंगे उन्हें हमें काट लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा कटिंग आ गया। अब यही सेम प्रोसेस जो है मैं साइड में भी करूँगी। तो सबसे पहले हमें सीधा काटना है, देखिए इस टाइप से। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हेयर्स दिख रहे होंगे, ये देखिए एक्स्ट्रा हेयर है। तो जो हमारे हमें जो है इसको सीधी लाइन में लाना है काट के, उसके बाद फिर जो हमारे हेयर्स हैं उन्हें हम ऊपर साइड में करेंगे और फिर जो हमें एक्स्ट्रा हेयर्स दिखेंगे उन्हें हमें काटना है। काटना बहुत ही इजी है और इस तरीके से आप ट्रिमिंग भी कर सकते हैं बालों में और कुछ भी एक्स्ट्रा हेयर नहीं कट रहा है देखिए। और ये जो मेरा जो दोनों साइड का जो हेयर कट है वो कट गया है। उसके बाद फिर से जो हमारा क्राउन एरिया जो है हम उसको इस तरीके से बालों को लेंगे और बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री में बिल्कुल ऊपर हम बालों को ऐसे खींचेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा हैं उन्हें गिर जाने दीजिए और फिर हमें इन्हें अपने बालों को सीधा काट लेना है। उसके बाद हम जो हमारी आईब्रो है उसकी जो आर्च से हम बालों को लेंगे और देखिए इसे हमें इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें हमें काट देना है, ये देखिए इस तरीके से। और हमें जैसे अगर राइट साइड में फॉल चाहिए अपने बालों का तो हमें अपने बालों को लेफ़्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा, और अगर हमें लेफ़्ट साइड में अपने बालों का फॉल चाहिए तो हमें राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो ये देखिए अगर मुझे, मैं चाहती हूँ कि मेरे राइट साइड में हो तो इसलिए मैंने लेफ़्ट साइड में पूरे बालों को लिया है और हल्का जो भी बाल हैं उन्हें हल्का सा काटा है, ज़्यादा नहीं काटा है। ये देखिए इस तरीके से मैं अपने लेफ़्ट में लूँगी और बालों को काट दूँगी ताकि मेरे जो बाल हैं वो राइट साइड में आएँ, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम जो मेरे बालों का है उसका जो पार्टीशन कर लेंगे बीचों बीच, क्योंकि आगे जो है हमें लेयर्स चाहिए थोड़ा, क्योंकि लेयर्स अच्छे लगते हैं आगे। पीछे तो स्टेप हो गए बट आगे के बालों को सेट करने के लिए हमें जो भी हमारे जो बाल हैं उन्हें बिल्कुल सीधा अपने नाक की सीध में रखना है, उसके बाद अपने बालों को सीधा काट देना है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सब आपको सीधा सीधा ही काटना है। देखिए नाक की सीध में अपने बालों को लेके जाएंगे सामने की तरफ, उसके बाद ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स दिख रहे हैं आपको बस इन्हें आपको कैंची से काटना है और इन्हें सीधा कर देना है। तो देखिए, तो अब जो मेरे साइड के जो हैं वो भी अच्छे से सेट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बाल एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम ऐसे करेंगे जो सामने वाले बाल हैं उनको फिर से एक बारी देख लेते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा नहीं है। तो कान के आगे साइड में जो बाल हैं उन्हें हमें अपने बिल्कुल नाक की सीध में लेके आना है, ये देखिए सीधा लेके आना है और पूरा सीधा लाना है। उसके बाद हमें कैंची से एकदम स्ट्रेट काट देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रेट काट देना है अपने बालों को, तो इससे जो हमारे आगे जो है वो अच्छे खासे लेयर्स आ जाएंगे।
और फिर हमें अपना दूसरे साइड भी सेम प्रोसेस ही करना है, बिल्कुल नाक की सीध में सीधा लेके आना है। उसके बाद जो भी हमें एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें हम काट देंगे। ये देखिए, जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें काट देंगे। और देखिए, काटना बहुत ही इजी है, तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप ये हेयर कटिंग करें तो मुझे भी आप इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी। आप देखिए यहाँ पीछे से, और बहुत अच्छे कटे हैं, बट लाइटिंग उतनी अच्छी ना होने के बारे में समझ नहीं आ रहा है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि बालों को सेट कैसे करना है, क्योंकि कर्ल्स तो हो गए, अगर बालों को सेट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आपको अपने बालों को पूरा जो है वो ऊपर साइड लेना है, और जैसे पोनी बनाते हैं उस तरीके से हमें देखिए ऐसे करना है, और जो आगे के बाल हैं इन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और इसमें हम क्लचर लगा देंगे और 20 मिनट्स के लिए इसे हम छोड़ देंगे। और जब हम 20 मिनट्स के बाद, या मतलब आप 1-1.5 घंटा जब भी आपको चाहे उतना देर छोड़ सकते हैं, उसके बाद हम जब इन्हें ओपन करेंगे तो बहुत ही सुंदर आपका जो हेयर कट है वो आपको समझ में आएगा। देखिए, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हेयर कट कैसा हुआ है, उस समय लाइटिंग के कारण आपको नहीं दिख रहा था। तो देखिए कितना ईजी है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।